हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शालिनी मिश्रा, वेलकम टू दिस चैनल। टुडे वी आर डिस्कस्ड ऑन द क्लोनिंग वेक्टर्स एंड द फॉलोइंग फीचर ऑफ दैट्स रिक्वायर्स टू फैसिलिटेट्स क्लोनिंग वेक्टर्स। आवर टॉपिक इज क्लोनिंग साइट। ओके, देन वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक क्लोनिंग साइट्स। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन DNA, द वैक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रिफेबली सिंगली रिकोगनेशन साइट्स फॉर कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स। द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकोगनेशन साइट्स विद इन द वैक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स विच विल कम्प्लीकेट द जीन क्लोनिंग। देन वी विल स्टार्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वट इज़ अ क्लोनिंग साइट। अगर आप चाहते हो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है एक प्लाज्मिड में अच्छे तरीके से इंसर्ट हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंगल रिकॉग्निशन साइट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट पे यूजली आपके नहीं कैरी किए जाते, क्योंकि ये आपके जीन क्लोनिंग के प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकोगनेशन साइट्स विद इन द वैक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स विच विल कम्प्लीकेट द जीन क्लोनिंग। द लाइगेशन ऑफ एलियन DNA इज कैरिड आउट अ रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंस इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। यानी कि आपका जो फॉरन DNA है वो इन दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स में से एक के पास इंसर्ट करवा दिया जाता है। समझ लो आपने, एक एग्जांपल है, समझ लीजिए आपने बाम H1 को यूज़ किया रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स को अपने टेट्रासाइक्लिन के यहाँ। क्या ये एक कट बनाया जिसमें आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया दिया, ठीक है? क्या अब ये बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस बचेगी या नहीं? सो क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को लूज कर देगा। यानी कि बेसिकली क्या होगा, आप इनको अब टेट्रासाइक्लिन में अब सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल यू कैन लाइगेट फॉरेन DNA एट बाम H1 साइट्स फॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स इन द वेक्टर PBR322। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड और फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाई प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम्स और देन ट्रांसफर ऑन अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। यानी कि टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में अगर आप इन्हें ग्रो करेंगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेंट्स आपका एम्पिसिलिन पे तो ग्रो कर गया था क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जब उसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ट्रांसफॉर्मेंट्स को भेजा गया, सिंस ये जीन अब तो इनएक्टिवेट हो चुका था, तो वहाँ पर वो ग्रो नहीं कर पाएगा। सो क्या कह रहे हैं कि द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम्स और देन ट्रांसफर ऑन द मीडियम्स कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। सो रिकॉम्बिनेंट आपका एम्पिसिलिन पे ग्रो हो जाएगा बट टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं हो पाएगा। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन द कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक्स। इन द केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स वेयर द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन DNA एंड हेल्प्स इन द सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट रहेंगे, जिसमें कोई आप जीन ऑफ इंसर्ट एड ही नहीं हुआ है, उसके तो दोनों जीन के रेजिस्टेंस वाले दोनों मीडियम पे ग्रो होंगे। यानी कि यहाँ पे एम्पिसिलिन वाला तो दोनों को ग्रो करवा देगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाला एक सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करेगा, उस पर बस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स ही ग्रो हो पाएगा, ठीक है? सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अ कन्वर्शन प्रोसीड्यूर्स बिकॉज इट्स रिक्वायर्स साइमल्टेनियस
प्लांटिंग ऑन टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। ये प्रोसेस आपका बहुत हार्ड माना जाता है क्योंकि इसमें आपकी दो प्लेट्स को ग्रो करनी पड़ती है, एक एम्सलिन की एक टेट्रासाइक्लिन की। देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड विच डिफरेंशिएट्स रिकम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट। देयरफॉर इसके लिए एक अलग से सेलेक्टेबल मार्कर्स तैयार किया गया है जो रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट में डिफरेंस बता दे, उनके कलर प्रोडक्शन पे उसमें आपको कलर दिख जाएगा और आप बता लोगे कि जीन इनएक्टिवेट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका कुछ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिनका आपको यूज़ करना होता है, ठीक है। क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट क्या होता है? क्रोमो मीन्स होता है कलर और जेनिक मीन्स होता है जनरेशन। इन दिस रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विथ अ कोडिंग सीक्वेंस एंड एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइड्स। ऐसे सब्सटेंस जो आपके कलर जनरेशन को हेल्प करें उसको हम लोग क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट बोलते हैं। इन दिस रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विथ अ कोडिंग सीक्वेंस एंड एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइड्स। बीटा ग्लैक्टोसाइड एंजाइम्स के अंदर आपका रिकम्बिनेंट डीएनए डाला जाता है तो इससे बीटा ग्लैक्टोसाइड इनएक्टिवेट हो जाता है, इसकी वजह से इसको हम लोग इंसर्शन इनएक्टिवेशन बोलते हैं। दिस रिजल्ट इन टू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सेंथिसिस ऑफ एंजाइम्स विच इज रिफर्स टू एज इंसर्शन इनएक्टिवेशन। तो इस बीटा ग्लैक्टोसाइड इनएक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंसर्शन इनएक्टिवेशन। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव्स अ ब्लू कलर कॉलोनीज इफ अ प्लाज्मिड इन अ बैक्टीरिया डज नॉट हैव अ इंसर्ट। सो इसको ब्लू वाइट स्क्रीनिंग भी कहा जाता है। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ब्लू कलर की कॉलोनीज देगा जब उसमें कोई, इफ द प्लाज्मिड्स इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव इंसर्ट, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इन टू इंसर्शन इन एक्टिवेशन ऑफ द बी ग्लैक्टोसाइड्स जीन्स एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर्स, दीज आर आइडेंटिफाइड एज अ रिकम्बिनेंट कॉलोनीज। अगर बीटा ग्लैक्टोसाइड्स इनएक्टिवेट हो चुका है तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ब्लू कलर का प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो आपको वाइट कलर कॉलोनीज या कलर लेस कॉलोनीज दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे रिकम्बिनेंट्स कॉलोनीज को और नॉन रिकम्बिनेंट कॉलोनीज को, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।